Good morning, students. Today I will discuss about one of the most important chapter of inorganic chemistry, and it is the chemical bonding. It is in your class 11 syllabus, and it is most important for you. Actually, I think it is the core of the inorganic chemistry. आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले इनऑर्गेनिक बोलो और ऑर्गेनिक बोलो. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग पता होना ही चाहिए, मस्ट. तो केमिकल बॉन्डिंग सबको पता होना चाहिए, इसलिए क्लास 11 केमिस्ट्री सिलेबस में इसको दिया गया है, केमिकल बॉन्डिंग. ओके, सो पहले केमिकल बॉन्डिंग बताने से पहले हम बात करेंगे बॉन्डिंग के बारे में. दैट इज बॉन्डिंग. What is bonding और what is chemical bond? तो bonding के बारे में जब बात करेंगे हम लोग, तो देखो atoms, ये पता है कि atoms क्या है. Atoms क्या है ये तो हम लोग को सबको पता है कि atoms is the discrete particle, atom is the smallest particle of the matter. अगर एक atom को electronic configuration हम लोग करेंगे तो देखिए atom का electronic configuration कैसा होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 टाइप का होता है, एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration. We know this. The inert gas electronic configuration is more stable configuration. And inert gases are the more stable. So इस दुनिया में जितना system है, सब system क्या चाहती है? सब system चाहती है कि stability gain कर रहे. ठीक है, इस दुनिया में जितना system है, सब system यही चाहती है कि stability gain करने के लिए कोशिश करता है सब सिस्टम. आप अभी बैठा है थोड़ी देर बाद क्या करोगे, सो जाओगे, मीन्स आपको स्टेबल, आप स्टेबल हो जाओ. तो ये दुनिया का एक रूल ही है कि अपना पोटेंशियल एनर्जी कम करने के बाद इस दुनिया में जितना सिस्टम है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है. ठीक है, तो इस तरह ये जो एटॉम्स है वो एटॉम्स है, इस तरह जो एटॉम्स है वो एटॉम्स भी क्या करता है, वो एटॉम्स भी क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है. बट एक एटॉम कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, हाउ ए एटॉम गेट स्टेबल स्टेबिलिटी, व्हाई, हाउ, कैसे इस एटॉम स्टेबिलिटी गेन करेगा. एक एटॉम स्टेबिलिटी गेन करता है जब उसका लास्ट वैलेंस शेल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाता है, तब वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करता है. ठीक है, एक एटॉम स्टेबिलिटी मिलता है एक एटॉम का जब क्या होता है, उसका लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका टाइप होता है, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, तब एक एटॉम क्या होता है, एक एटॉम स्टेबल हो जाता है. ठीक है, लास्ट वैलेंस शेल में कितना रहता है, इनर्ट गैस का लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है. तो हम लोग बोलते हैं कि एक एटम ऑक्टेट फुलफिल हो गया, मींस उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा हो गया, लास्ट वैलेंस शेल में 8 हो गया, ये बोलते हैं. ठीक है, तो एटम का स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसको क्या करना होगा, अगर मेन बात हम बोलेंगे तो यही होगा कि एटम का स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसका क्या करना होगा, उसका लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा करना होगा, कि लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसका करना होगा, दैट इज द ऑक्टेट फुलफिल करना होगा. ठीक है, तो एक एटॉम ऑक्टेट कैसे फुलफिल करेगा. ठीक है, एक एटॉम लास्ट वैलेंस शेल में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस जैसा कैसे करेंगे, कैसे वो ऑक्टेट फुलफिल करेंगे, तो उसका जो मेन रीजन है, दिस इज द बॉन्डिंग. एक एटॉम को क्या करना होगा, केमिकल बॉन्ड करना होगा. ठीक है, केमिकल बॉन्ड दैट इज इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और गेनिंग के बाद केमिकल बॉन्ड कर सकता है, ऑक्टेट फुलफिल कर सकता है, एटम लास्ट वैलेंस में इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है, और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद उसका लास्ट वैलेंस में लास्ट वैलेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो सकता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन गेनिंग के बाद वो ऑक्टेट फुलफिल करेगा और एक केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, तब ये दिस बॉन्ड इज नोन एज द आयोनिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड के क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करें, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो दिस बॉन्ड इज नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है दिस बॉन्ड इज द कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद अगर कोई एटम बॉन्ड फॉर्मेशन अगर करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद कोई एटम अगर लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर करेगा, तो वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये दो टाइप का बॉन्ड्स है बहुत इंपॉर्टेंट। और एक तीसरा टाइप का बॉन्ड है, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये जो आयोनिक बॉन्ड है और कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।